अस्सलाम वालेकुम, मैं आया हूँ जी मुल्तान, और मुल्तान में हम थक गए हैं। सर्दियों की दोपहर है, नवंबर का महीना चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सर्दियों की दोपहर है, और अनार का जूस बन रहा है इस वक्त, हम उसकी आपको दिखते हैं। तो जी बात ऐसे है कि सर्दियों की दोपहर में अनार का जूस, उसका लुत्फ ही अलग है। अनार का जूस तैयार हो रहा है, वो पी के फिर आपको बताते हैं कि कैसा लगा। ताज़ा ताज़ा अनार का जूस तैयार है जी, और इसको पी के जो रूह ताज़ा होनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा जी, मैंने अनार का जूस ले लिया है, और बहुत लजीज जूस है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ विटामिन्स, जो जो इसमें फ़ायदा में मिल सकता है ये हमें जूस देगा इंशाल्लाह। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये ना देखा करेंगे रेडियो वाला बैठा हुआ है, पता नहीं इसके अनार के ऊपर क्या कुछ गिरा होगा, आपको क्या यकीन है कि जी वो उन बंद कोल्ड ड्रिंक्स और फैक्ट्रीज में बढ़ी हैं उधर क्या कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़ें और इस खूबसूरत जायके को चखें। रेड अनार का जूस आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ताज़ा जूस है। मतलब इसके साइड इफेक्ट्स अगर होंगे भी सही तो मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, उन तीन पैक वो कैन पैक जो जूसेस होते हैं उन जितने साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। जितनी मर्जी ये गलासत वाली जगह या कितनी मर्जी गलत जगह पे पड़ा हो, ऑन द रोड था, साफ सुथरी थी, उसने पानी शानी छिड़का हुआ था अच्छी तरह, मगर उसके बावजूद भी मट्टी तो उठती है, मगर फिर भी ये जूस बहुत बेहतर है आपकी कैन जूसेस की नस्बत, और आपकी उन सोडा वाटर बॉटल्स की नस्बत जिनके पैसे इसराइल वालों के पास जा रहे हैं। जजाकल्ला।